नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो अगर हम गलती से करते हैं तो जो बरकत हमारे घर में रहती है यानी कि जो प्रोग्रेस है वो रुकेगी, पैसा आना रुकेगा या खर्चा बढ़ेगा, पैसा घर में नहीं टिकेगा, ये चीजें हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिया है उसको प्रेस करना प्लीज मत भूलिएगा। घर की मुख्य दिशाएं देखते हैं हम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। घर की ये मुख्य दिशाएं हैं। मुख्य दिशाएं अगर घर की बराबर है और आपने वास्तु के अनुसार मुख्य चीजें अगर प्रॉपर रखी है, मुख्य चीजें यानी बेडरूम, आपका किचन है, पूजा घर है, ये चीजें अगर आपने प्रॉपरली रखी है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो बरकत है वो होती रहेगी, दिन ब दिन पैसा बढ़ता रहेगा। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। कुछ लोगों की आमदनी बहुत अच्छी होती है फिर भी वो परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? कि घर में पैसा नहीं टिक पाता है। धन की कमी होने से परिवार में बेवजह मुसीबतें आती है। अगर पैसा नहीं है तो मुसीबतें आती है, मतलब ये है कि आपको अगर कुछ जरूरत है तो वो आप पूरी नहीं कर सकते हैं जल्दी से, आपको रुकना पड़ेगा या कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीजें है वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है अगर आपका घर सही दिशा के अनुसार नहीं बना है तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है। आइए जानते हैं कि क्या उपाय है जो करने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी जो बरकत है, आपकी प्रोग्रेस है यह होती रहेगी, उसमें रुकावट या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आना कम हो जाएगा। घर में समझिए, अगर पश्चिम दिशा में आपका रसोई घर है, पश्चिम यानी के एग्जैक्ट पश्चिम अगर हम कहेंगे तो भी चलेगा, साउथ वेस्ट पे तो रसोई होनी ही नहीं चाहिए। इससे आपको साउथ वेस्ट में अगर रसोई है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे धन के रिलेटेड। साउथ वेस्ट यानी ये कॉर्नर नैऋत्य जो कि मास्टर बेड के लिए है, यहाँ पर रसोई नहीं आनी चाहिए। समझिए आपके रसोई है वेस्ट में, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपके घर में आप पैसा कमा पाओगे, पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा घर में नहीं टिकेगा। कुछ ना कुछ खर्चे आएंगे, आपको सेविंग करना है तो सेविंग आप नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर वेस्ट में आपका किचन है तो, यानी कि वेस्ट में किचन है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। घर की जो ढलान है यानी कि स्लोप है घर का, ये अगर प्रॉपर नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी कि घर का स्लोप जो रिकमेंडेड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सबसे बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ या ईस्ट, किधर भी, इन तीनों में से किधर भी घर का स्लोप होना बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कारणवश आपने समझो घर में मॉडिफिकेशन किया, यहाँ पर कुछ नए टाइल्स लगा दिए नॉर्थ ईस्ट में, इधर ओल्ड वाले ही है, अच्छे है तो चेंज नहीं किया, एज इट इज रखे, इधर आपने जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर कुछ टाइल्स लगा दिए तो वो स्लोप उल्टा हो गया, यानी कि इधर का भाग निचला हो गया तो इधर स्लोप हो गया, इधर स्लोप हो गया, इधर स्लोप हो गया, आपका ये भाग ऊंचा हो गया। अब तक आपको समझो कुछ अच्छी चीजें मिलती होगी, लेकिन आपने अगर स्लोप चेंज कर दिया तो आपको बैड एक्सपीरियंसेस चालू होंगे। घर का ढलान अगर प्रॉपर नहीं है तो धन में रुकावटें आएगी, आपके प्रोग्रेस में रुकावटें आएगी, आपको जो बरकत है वो प्रॉपरली नहीं रहेगी, आपकी बरकत, पैसा नहीं टिकेगा। पैसा समझो आएगा, आप सरकारी नौकरी में हो, आपकी नौकरी रहेगी, आपका पैसा आता रहेगा, लेकिन खर्चा भी बहुत रहेगा तो पैसा जाता भी रहेगा, आपके पास पैसा टिकेगा ही नहीं, आपको सेविंग करना है, कुछ भी करना है। तो घर के ढलान जो है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। वो अगर गलत तरीके से है, गलत डायरेक्शन में है, वो आपके फ्लोरिंग की ढलान हो या फिर आपका रूफ लेवल हो, वो भी अगर गलत डायरेक्शन में उसके ढलान है तो भी आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो बेडरूम है उसका
बेडरूम का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि मास्टर बेड एक बहुत महत्वपूर्ण रूम होता है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके पैसा जो है उसके लिए। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका जो कबर्ड है वो कबर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण बताया गया है कि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस एक्सेस में आपको रखना है। आपका अगर समझो 10-15 डिग्री टिल्ट है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ ऐसा, तो आपका साउथ वेस्ट थोड़ा सा इधर आएगा, तो साउथ वेस्ट एक्सेस आप प्रॉपर लेकर वहां पर कबर्ड रखिए, ईस्ट फेसिंग होगा ठीक है, नॉर्थ या ईस्ट चलता है, नॉर्थ हुआ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर एग्जैक्टली आपको मिल रहा है एक्सेस तो यहाँ पर रखिए नॉर्थ फेसिंग, या फिर यहाँ पर एक्सेस आ रहा है तो ऐसा बीच में नहीं रख सकते तो ईस्ट फेसिंग रखिए। बट साउथ वेस्ट एक्सेस में आपको आपका कबर्ड रखना है, ये बहुत जरूरी बात है। अगर समझो साउथ वेस्ट बेडरूम आपको नहीं मिल रहा है, आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में गया है, तो आपका कबर्ड यहां पर नहीं आना चाहिए, गलती से भी एग्जैक्टली साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका कबर्ड नहीं आना चाहिए। ये जो है ये आपको आपके हेल्थ इश्यूज के ऊपर ज्यादा खर्चा करने लगाएगा। अगर आप यहां पर कबर्ड रखते हो तो ये इसमें जो भी आपके पास पैसा आएगा तो वो आपका पैसा मोस्टली हेल्थ इश्यूज पे बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो साउथ ईस्ट में आपको कबर्ड नहीं रखना है एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर रूम है तो इस रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप कबर्ड रखिए, लेकिन साउथ ईस्ट में कबर्ड मत रखिए। नॉर्थ वेस्ट में आपका रूम है तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपको कबर्ड नहीं रखना है एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में, वायुपुर में, वहां पर भी पैसा नहीं टिकेगा, वहां पर आपको बरकत नहीं मिलेगी। आपके पास में जो है आपका पैसा बढ़ना जिसको कहते हैं वो उतनी मात्रा में नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी नहीं रखना है। तो जैसा मैंने कहा है कि साउथ वेस्ट इज द मोस्ट प्रेफरेबल डायरेक्शन टू कीप योर अलमीरा, यहाँ पर आपको रखना है अलमीरा, यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है स्लीपिंग पोजिशन वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, आप किसी भी रूम में रखिए, लेकिन ये अगर साउथ वॉल को आपके अलमारी का आप जो बैक साइड है वो साउथ वॉल को लगाकर रखते हैं तो उसका डायरेक्शन प्रॉपरली नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, यानी कि पीछे की वॉल उसकी साउथ वॉल अगर रहेगी। इस रूम में रखते हैं तो ये साउथ है पीछे, इस रूम में रखते हैं यहां पर आप रखोगे तो यहां पर ये साउथ वॉल आएगी, इस रूम की साउथ वॉल यहां पर आएगी तो ये पीछे साउथ वॉल रहेगी कबर्ड के, उसका नॉर्थ फेसिंग होगा। तो इस प्रकार से अगर आप साउथ वॉल को लगाकर आपकी अलमारी रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और ऐसा होने से जो है उत्तरमुखी उसको नॉर्थ फेसिंग रखने से उसमें पैसा टिकेगा भी, पैसा आएगा भी, दोनों भी फ्लोर बराबर रहेंगे। तो इसलिए अलमारी कभी भी आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ फेसिंग। अलमारी नहीं रखना है घर के ब्रह्म स्थान में, क्योंकि अलमारी होती है हेवी, और हेवी चीजें घर के ब्रह्म स्थान में रखना नहीं चाहिए, उससे घर में बीमारियां बढ़ेगी, एनर्जी फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ने से क्या होगा कि आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए ब्रह्म स्थान जो है वो खुला होना चाहिए, यहाँ पर कबर्ड नहीं आना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका पूजा घर है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पर पूजा साहित्य रखने के लिए कबर्ड रखते हैं और वही यूज करना चालू करते हैं, उसमें पूरी इंपॉर्टेंट चीजें वो अंदर के रूम है तो वहीं पे रख दो, ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ पर आप हल्की चीजें रख सकते हैं, यानी कि आपको हेवी कबर्ड नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ मात्रा में पैसे या आपके ऑर्नामेंट्स, यानी कि ये उत्तर दिशा है, ये कुबेर भगवान की दिशा है, तो आप यहाँ पर आपके ऑर्नामेंट्स रख सकते हैं, आपकी ज्वेलरी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हेवी चीजें यहाँ पर नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आप पूरी पूरी अलमारी वहां पर रख दोगे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको हल्की चीजें ही रखना है, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे भी आपको बरकत मिलेगी, पैसा ज्वेलरी यहाँ पर रखोगे नॉर्थ में तो आपको अच्छी बरकत मिलेगी, लेकिन ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर हेवी चीजें नहीं रखना है, हेवी अलमारी नहीं रखना है। अगर अलमारी हेवी है, आपका सेफ हेवी है, तो वो हमेशा घर के साउथ वेस्ट में ही आपको रखना है, साउथ के वॉल को लगाकर ही रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है आपके कबर्ड के बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, घर का स्लोप है, घर का किचन है,
या फिर आपका जो कबड़ है उसका पोजीशन है, आप कैश, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें कहाँ पर रखते हो, ये सब बहुत मैटर करता है आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके घर में पैसा आने के लिए और वो टिकने के लिए। पैसा आएगा लेकिन वो टिकना भी जरूरी है, तो उसके लिए ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है प्लीज उसको प्रेस करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।